आधी ही खोली है, पहले ऊंची थी ना, तो कोहरे की शुरुआत देखी। Hey guys, good morning. तो आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, स्कूल की बात करने के लिए, तो बने रहिएगा आप अंत तक। स्कूल जा रहे हैं आज हम लोग एडमिशन के लिए, बस सुबह जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वीडियो बनाने का ध्यान ले रहा, तो आ जाओ भाई चलो, वो हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी। हे गाइस, तो हम लोग एडमिशन करा के आ गए हैं और ये लड़ने पे लग रहे हैं। और देखिए खेत, ये शायद आलू का खेत है, आलू उग रहा है यहाँ पे, नहीं पता नहीं, शायद गोभी है, शायद आलू है गोभी है, आई डोंट नो। और अरे चुप रहो, इन दोनों की लड़ाई चल रही है और मुझे धूप में कुछ भी नहीं दिख रहा कि मैं दिख भी रही हूँ या नहीं। मम्मी, सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एडमिशन करा करके, कल से ये लोग स्कूल जाएंगे। फाइनली मेरी टेंशन खत्म हुई और सभी बात हो चुकी है, कल से ये स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। और हम पहुंच गए हैं घर, ये देखो पकड़ के खड़े हुए हैं क्योंकि एक दिन झटका लग गया था। इनको लाइट जाने की वजह से, तो पकड़ के खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले इसको ताला खोल लेते हैं। मुझे मालूम है तुम भूखे भेड़ से भागे आ रहे हो। सो गाइस, फाइनली अपने शूज को तुरंत शू रैक में रखो, लाओ नहीं। तो फाइनली इनका एडमिशन हो चुका है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे क्योंकि इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, मतलब हो क्या नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इनके पापा को। तो जब मैंने स्कूल देख लिया, फिर मैं अब आज मैं इनका फाइनल करा के आ गई हूँ, कुछ चीज़ों की रह गई है कमी, तो अब मिलते हैं हम आपसे आगे। फिलहाल इनको पहले भूख लग रही है, सुबह से हम लोग गए हुए थे, बस दूध वगैरह ही पी करके, हाँ तो बच्चों ने खाना नहीं खाया है। हमने आधी ही खोली है, पहले ऊंची थी ना, तो उसको हमने आधा एक एक पोर्शन इसका नहीं ऐड किया, तो ये बहुत ही सुंदर सा शू रैक बन गया है। हे गाइस, तो हम लोग स्कूल से आने के बाद में खाना वाना खाया हम लोगों ने, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने बच्चों को पढ़ाया भी आज, काफ़ी दिन हो गए क्योंकि कल से स्कूल भी जाना है इनको, तो मैं देख रही थी कि कितना इंसान आता है क्या है, मतलब वैसे मैंने पढ़ा चुकी हूँ बीच में भी कुछ दिन, लेकिन मतलब एक रूटीन में नहीं पढ़ा पा रही थी मैं, काफ़ी बिजी चल रही थी इस वजह से। और जैसे ही पढ़ने का नाम आता है बच्चों को आने लगती नींद, मैंने बोला पढ़ना है या फिर उधम तो मचाना नहीं है, पढ़ना ही है, तो बोले नींद आ रही। मैंने कहा ठीक है सो, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तुम सोते हो, तो देखो तुरंत ही सो गए दोनों में से कोई भी नहीं जागा। मतलब अगर इनको पढ़ाया नहीं जा रहा होता ना तो नींद नहीं आती, वैसे इनको नींद आ गई है। तो अब मैं यहाँ के लिए बैठी हुई हूँ, पहले मैंने वीडियो एडिट करी है जो कि मेरी 2 दिन से पेंडिंग पड़ी थी, तो अभी वो जस्ट एडिट करके हटी हूँ। और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, अकेले हूँ क्या करूँ, टाइम पास नहीं हो रहा था तो मैं अपनी चाय बना ली, और साथ ही साथ नमकीन दाल में नमकीन डाल के खा रही हूँ। अच्छी लगती है मुझे दाल में नमकीन डाल के खाने, जो स्पेशल नमकीन है, मतलब ये हमारे जहाँ मेरा घर है ना वहाँ पे मिलती है, तो वो वाली नमकीन है, तो उसको मैं खा रही हूँ दाल में डाल करके। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और बता दूँ कि हम लोग स्कूल से आ गए और इनका एडमिशन हो चुका है फाइनल, और कल से ये लोग स्कूल जाएंगे। फिलहाल बुक्स वगैरह अभी नहीं आई हैं, बुक्स वगैरह हम ले लेंगे, लेकिन हाँ एडमिशन हो चुका है, कम से कम स्कूल जाना तो स्टार्ट करें। तो बस यही है, मिलते हैं फिर आपसे। हे गाइस, तो शाम के 6 बज रहे हैं और ये लोग उठ चुके हैं, और उठते ही इनके हो गए हैं थिएटर स्टार्ट। हाँ, इनके उठते ही हो गए हैं लड़ाई झगड़े स्टार्ट। केवल किन चीजों पे, मेरी पेंसिल ले ली, मेरी कटर ले ली, मेरी रबड़ ले ली, इन चीजों पे इनके हो गए हैं झगड़े स्टार्ट। और इनके पापा आ जाएंगे लेट, सो बस मैं भी देख रही हूँ क्या करना है मुझे। अभी खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि खाना थोड़ा बहुत रखा हुआ भी है, अगर वो बाहर खाते आएंगे वो मुझे बताएंगे 7 बजे के करीब, जब भी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, उससे पहले हम तीनों के लिए तो रखा ही है, हम तीनों तो एडजस्ट कर लेंगे कैसे भी। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, और
बालकनी मैंने अब अभी हम काफी देर से बालकनी में बैठे हुए थे, रील रोल्स से थोड़ी बना रहे थे रील्स वगैरह, और यहाँ पर बस टाइम पास चल रहा है। नेट ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं इनका टीवी भी नहीं चला पाती हूँ, मतलब नेट बहुत कम रहता है, मुझे वीडियो भी अपलोड करनी होती है तो इसीलिए मैं इनकी टीवी नहीं चला रही हूँ। और चलानी पड़ेगी पापा के नेट से, पापा के नेट से, पापा आएंगे जब पापा के नेट से चलेगा। पापा का कल क्यों दिन था? पापा ने कल खूब मजे करा, आज हमारा दिन है। ओफो, पापा ने कैसे मजे किए? टीवी देख के तारक 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 नहीं देख पाते, तो कल उन्होंने टीवी देखा अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उस बात पे ये बोल रहे हैं कि मतलब पूरा देखा तो बस अभी लग रहा है हम लोग कल से इन लोगों का स्कूल स्टार्ट है, तो कैसा लग रहा है भाई कल से स्कूल जाओगे? बेकार, एकदम घटिया, एकदम। क्यों भाई, ज्यादा मौज ले लेंगे घर में बैठ के? हाँ भाई, आप एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? कल न्यू स्कूल में, न्यू स्कूल में फर्स्ट डे, कोई नहीं ड्रेस तो आ जाएगी, पहले पढ़ने तो जाओ यार, ड्रेस तो आ ही जाएगी। तो सबकी डिमांड्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, ये सभी के साथ में है, डिमांड्स स्टार्ट हो जाती है, नया स्कूल है, नई नई सब चीजें चाहिए, तो बस वही सब चल रहा है। कल से इनका स्कूल स्टार्ट है, सुबह से बस आएगी लेने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा इनको लगता है। ओके ओके, कान मत खाओ मेरे पास, बस कल, कल स्कूल जाना, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। बना रही हूँ मॉर्निंग में सैंडविच बच्चों के लिए, बच्चों की खास डिमांड थी कि वो स्कूल सैंडविच लेके जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने पत्ता गोभी और बीन्स को डाला है कट करके, और उनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी रेड एंड येलो कैप्सिकम, और साथ ही साथ मैं इसमें उबले हुए थोड़े से कॉर्नस डालूंगी, और उनको अच्छे से मिलाने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो और रेड चिली जो होती हैं जो पिज़्ज़ा के साथ में आते हैं, वही मैंने पाउचेस बचा रखे थे दोनों चीज़ों के, तो वही मैंने इसमें डाली हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी नमक और उबले हुए 2-3 आलू, जिससे कि थोड़ी सी इस स्टफिंग को जो है बाइंडिंग प्रोवाइड हो जाए, और जिससे कि अच्छे से बाइंड हो सके, और क्योंकि खाली सब्जियां बच्चे नहीं खा पाते, आलू के होते हैं तो बच्चे अच्छे इजीली खा लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें आलू भी ऐड कर लिया है, और ऑप्शनल है, आलू आप ऐड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद में इस स्टफिंग को अच्छे से चला करके मैं रख दूंगी साइड में, और लेनी है हमको ब्रेड की स्लाइस, उस पर मैं एक ब्रेड पर लगाऊंगी चीज़ सॉस, जो कि मतलब ये मायोनीज नहीं है, चीज़ सॉस है, और दूसरी ब्रेड पर मैं लगाऊंगी पास्ता सॉस, जो कि थोड़ा सा टेस्ट प्रोवाइड कर देगी, बच्चे थोड़ा खुश होकर खा लेते हैं, इसी वजह से मैंने इसको लगा दिया, और इसमें स्टफिंग भर के इन सैंडविचेस को मैं सेक लूँगी अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी से सैंडविच तैयार हैं, और बच्चे मन करके खाते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा तो फिर भी नखरे करता है, क्योंकि उसमें उसे वेजिटेबल्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो नहीं खाता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो खा ले, तो कुछ ना कुछ नए नए टेस्ट ऐड करती रहती हूँ, तो इसी वजह से मैं ये बना देती हूँ जब भी वो बोलते हैं तो। और उसके बाद में बच्चों को का टिफ़िन पैक हो जाएगा, और मैं बच्चों को स्कूल भेज दूंगी, और मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं अपना जॉब का भी देख रही हूँ कि मेरी भी जॉब साथ ही साथ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और तो इसी चक्कर में मैं कुछ वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, काफ़ी दिन की वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं बट मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने वीडियोज़ को एडिट किया है, और उसके बाद में मैं अब सभी वीडियोज़ को कोशिश करूंगी वन बाई वन, जब हम रूटीन व्लॉग्स डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा पुराने वीडियोस हो जाते हैं तो उनको हम नहीं डाल पाते, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर मैं उन वीडियोस को नहीं डाल पाती हूँ, तो अब मैंने स्टार्ट किया है, देखिए कब तक चलता है। तो यहाँ हमारे सैंडविच तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी से सैंडविच तैयार हुए हैं, आ जाइए आप सभी भी खा लीजिए। Hey guys, good morning. सुबह हो रही है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, क्योंकि बाल भी खोल लिए मैंने, आज सर धोने मुझे, मैं हेयर कुछ करना, और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, कुछ दिख रहा है? नहीं, आवाज़ आ रही होगी बस, और उधर से धूप निकल रही है, और बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट कोहरे की शुरुआत, देखिए कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं, नीचे दिख रहा होगा, बस नीचे का दिख रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है बादलों में बैठे हैं कि हम लोग, तो कोहरे से लगता है कि विंटर्स की शुरुआत हो चुकी है अच्छी वाली, और यहाँ ये जैकेट का ट्रायल लेते हुए, कितने गंदे आ रही हूँ, पहन के दिखा रहा नंगे होकर दिखा रहे हो, जींस का ट्रायल दोगे, ऐसा कौन करता है,
आज मैंने बनाया है सैंडविच, रेसिपी शेयर कर दूंगी। बनाई तो है, बहुत ही टेस्टी बने थे, मैंने तो खाई नहीं अभी, एक बाइट ही चेक किया था मतलब। और बच्चे लेके गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी ये जस्ट छोड़ के आए हैं और अब ये जा रहे हैं, मतलब खुद के जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा बेड पूरा फैला हुआ है स्कूल जाने के बाद जो होता है, अब मैं इसकी सफाई वफाई करूँगी और देखते हैं आज दिन में क्या होता है। और मैं कोशिश करूँगी आज लाइव आने की, कोशिश करूँगी, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकती, नेट ही नहीं रहता, नेट बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास में, सो इसीलिए चलिए फिर मिलते हैं आगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने ड्यूटी पर, अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं वो भी, और मैं यहाँ पर सभी काम को ख़त्म करके अपने किचन को साफ़ करके और सभी झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है हमारा घर का काम उसको ख़त्म करने के बाद में मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपने कुछ मरम्मतें करने, घर की जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उस हिसाब से उन सभी चीज़ों को मैंने सोचा निपटा देती हूँ, नहीं तो आजकल करते कोई काम नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा टाइम भी पास नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब आज कर रही हूँ सिलाई, और सिलाई में मैं सिल रही हूँ ये जो गद्दा पड़ा है इस गद्दे का कवर, ताकि ये गद्दा जो है हमें ज़मीन पे बिछाना पड़ता है तो बार बार ये गंदा ही होता रहता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा इसके ऊपर एक कवर बिछा देती हूँ जो कि धुल जाया करेगा, अगर कभी होगा तो उसको धो दिया करेंगे उतार करके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कवर सिल रही हूँ जिससे कि मेरा भी पूरा टाइम पास हो जाए और पूरा दिन इसी तरीके से चला जाता है। उसके ये कवर सिले ही थे, मैंने एक वॉशिंग मशीन का कवर भी सिला था और उसी के साथ साथ मैंने एक कूलर का कवर भी सिला था, तो बस इसी में पूरा टाइम मेरा स्पेंड हो गया। तो यहाँ मेरा कवर बनकर रेडी है, और कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की, बट हो जाता है कुछ ना कुछ, आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया कीजिए आपको किस टाइप की वीडियोज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं मेरी, DIY से रिलेटेड या फिर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ थोड़ा बहुत कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो यही था आज का मेरा पूरा वीडियो, मैंने 2 दिन का वीडियो इंक्लूड करके आप सभी के साथ में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।